इन्फिनिटिव टू वाले वाक्यों में परिवर्तन, ठीक है। एक्टिव पैसिव में हम लोग पढ़ेंगे आज इन्फिनिटिव टू वाले वाक्यों में परिवर्तन। इन्फिनिटिव क्या होता है बेटा, तो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है, जैसे वर्क है ना, तो इससे पहले अगर टू लगा दे तो ये इन्फिनिटिव हो गया। जैसे रीड, क्या लिखा है, अगर रीड ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है बेटा, और इससे पहले अगर हम टू लगा देंगे तो ये इन्फिनिटिव कहलाएगा। क्लियर हो गया। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर हम टू लगाते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, इन्फिनिटिव कहलाता है, ठीक है, वो इन्फिनिटिव कहलाता है। क्लियर हो गया बेटा। अब चलिए इसको समझते हैं कि कैसे इन्फिनिटिव टू वाले वाक्यों को हम लोग परिवर्तन करेंगे एक्टिव और पैसिव में। तेरा रूल आपका है मेरा, ऐसे वाक्य जिनमें गोइंग के बाद, ठीक है बेटा, किसके बाद, गोइंग के बाद, गोइंग के बाद और मेन वर्ब से पहले, ठीक है, मेन वर्ब से पहले किसका प्रयोग किया गया हो, इन्फिनिटिव टू का प्रयोग किया गया हो, ठीक है बेटा। तेरा गोइंग के बाद और मेन वर्ब से पहले इन्फिनिटिव टू का प्रयोग किया गया हो। सेंटेंस में देखते हैं, ये रहा आपका गोइंग, ठीक है बेटा, ये रहा गोइंग, तो कह रहा है गोइंग के बाद, तो गोइंग के बाद ये है, ठीक है, और मेन वर्ब, ये आपका मेन वर्ब है, जो राइट है ये क्या है आपका, मेन वर्ब है बेटा, और गोइंग, मेरा गोइंग के बाद, तो गोइंग के बाद ये, और मेन वर्ब से पहले किसका प्रयोग किया गया हो, इन्फिनिटिव टू का प्रयोग किया गया हो, तो उनका पैसिव वॉइस में बदलते समय या उनका पैसिव वॉइस बनाते समय आपको क्या करना पड़ेगा, इन्फिनिटिव टू के तुरंत बाद आपको बी लगाना होगा। समझ में आई बात बेटा। जब गोइंग के बाद, गोइंग के बाद और मेन वर्ब से पहले किसका प्रयोग किया गया हो, इन्फिनिटिव टू का प्रयोग किया गया हो, तो उनका पैसिव वॉइस बनाते समय आपको क्या करना होगा, इन इन्फिनिटिव टू के बाद आपको बी लगाना होगा। क्लियर हो गया। तो चलिए सेंटेंस के थ्रू हम लोग देख लेते हैं बेटा। तो यहाँ गोइंग है और ये मेन वर्ब है, गोइंग के बाद ये टू है और मेन वर्ब के पहले यहाँ पर देखो टू है, ये मेन वर्ब है और ये गोइंग है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस हम लोग बनाते हैं, तो अनॉवल जो ऑब्जेक्ट है आपका क्या हो जाएगा बेटे, सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है, तो हो गया अनॉवल। अब यहाँ देखो सब्जेक्ट आपका आई है तो एम लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन अब सब्जेक्ट आपका अनॉवल बन रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इज हो जाएगा, ठीक है, तो अनॉवल इज। अब इस गोइंग को हम तुरंत इसके बाद ऐसे लिख देंगे, यहाँ भी देखो एचबी के बाद ही है ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद गोइंग लिखा है ना, तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब के बाद गोइंग को हम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद टू हमारा है तो टू को भी लिख देंगे, गोइंग के बाद टू है तो गोइंग के बाद टू भी लिख दिया। अब कह रहा रूल कह रहा है कि इन्फिनिटिव टू के बाद क्या लगा दो, बी लगा दो, तो अब इन्फिनिटिव टू के बाद हम क्या लगाएंगे बेटा, बी लगा देंगे। फिर जो हमारा मेन वर्ब है, मेन वर्ब क्या है, राइट, और राइट का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर हम तुरंत रिटर्न लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद बाई, और क्या है सब्जेक्ट, आई बदल के मी, तो ये आपका सेंटेंस बन गया, ठीक है, तो हो गया नॉवेल इज गोइंग टू बी रिटन बाई मी। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं बेटा। दूसरा सेंटेंस कह रहा है देवर गोइंग टू मेक अ फिल्म, ठीक है, देवर जो है एक फिल्म बनाने जा रहा है, ठीक है, देवर गोइंग टू मेक अ फिल्म, तो अब फिल्म हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर हो रहा बेटा, तो अब फिल्म सब्जेक्ट बन जा रहा है। अब यहाँ भी देखो गोइंग के बाद, गोइंग के बाद ये टू है और मेन वर्ब से पहले ये टू है, ये इन्फिनिटिव वाला टू है, ठीक है, तो अब लगेगा क्या, बी लगेगा बेटा, बी लगेगा, टू के बाद बी लग जाएगा, ठीक है, तो अब देवर गोइंग टू मेक अ फिल्म, तो अब फिल्म हमारा सब्जेक्ट बन गया, यहाँ पर दे था तो वर्ब था, ठीक है, दे बहुवचन था तो वर्ब था, अब सब्जेक्ट आपका कौन सा वचन बन रहा है, अब एक वचन के साथ क्या लगाओगे, अब गोइंग को गोइंग लिख दो क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद गोइंग है, तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब के बाद गोइंग लिख दीजिए। उसके बाद इन्फिनिटिव टू लिख दीजिए, अब इन्फिनिटिव टू के बाद आपको क्या लगाना है, अब मेक का थर्ड फॉर्म मेड होता है बेटा, ठीक है,
तो अ फिल्म वाज गोइंग टू बी मेड बाई बाई देखा देम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो सेंटेंस बन गया।